केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचकर उन्होंने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन समेत 15 परियोजनाओं का यहां उद्घाटन किया गया है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु का आखिरकार पूर्ण जन्म हो गया। मंगलवार को 24 साल के बाद एक बार फिर से इस पुल के दोनों लेन पर एक साथ आवाजाही शुरू हो जाएगी। गांधी सेतु के दूसरे लेन का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7 जून को उद्घाटन कर दिया है। 1981 में निर्मित इस पुल का ढांचा चंद वर्षों के बाद ही जर्जर हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से इस पुल का पूर्ण जन्म हो गया है। इस पुल के एक लेन का नौ निर्माण पहले ही हो चुका है, उस पर वाहनों की आवाजाही चालू है। दूसरे लेन के चालू हो जाने के बाद करीब 24 साल के बाद इस पुल के दोनों लेन पर वाहनों की आवाजाही हो पाएगी। इस लेन के चालू हो जाने के बाद पटना से हाजीपुर रूट पर जाने के लिए अब लोगों को घंटों जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को बिहार के दौरे पर आए हैं और उन्होंने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। नितिन नवीन ने बताया था कि इस मौके पर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करीब 13,585 करोड़ की लागत वाली 15 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गांधी सेतु का सुपरस्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है। वर्षों के बाद बंद पुल का निर्माण होगा और फिलहाल पुल के एक लेन से ही वाहनों का आवागमन हो रहा था। ऐसे में गाड़ियों की तादाद लग जाती थी और लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था, लेकिन दूसरे लेन के शुरू हो जाने के बाद यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी और इससे यात्रियों में खुशी की लहर भी है। बता दें कि गांधी सेतु को दुरुस्त करने का काम कई महीनों से चल रहा है। पुल की स्थिति को देखने के बाद इसे दुरुस्त करने का फैसला लिया गया और आज वो दिन आ गया है जब पटना के लोगों को ये बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, बटन दबाकर माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी, आप लोकार्पण करें महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट परियोजना का और साथ ही छपरा से गोपालगंज तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना का और साथ ही साथ शिलान्यास मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी फोर लेन नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, औरंगाबाद से चोरदाहा झारखंड बॉर्डर 6 लेन सड़क परियोजना, बेगूसराय शहर में 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना, कायम नगर में आरा शहर तक 4 लेन पेव के कार्य प्रगति पर और प्रक्रियारत हैं, जिनमें 17 से अधिक पुलों 9 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा राजमार्गों का चौड़ीकरण आरओबी बाईपास और रिंग रोड के निर्माण से बिहार समृद्धि की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज श्री नीतीश कुमार जी और श्री नितिन गडकरी जी द्वारा पटना और हाजीपुर में 13,585 करोड़ रुपए की लागत से 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। मांग करता है आज 1,742 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर लंबे सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। पहले इस पुल को पार करने में 2 से 3 घंटे लगते थे, जो आज 5 से 10 मिनट में पार किया जा सकता है। आज ही लोकार्पण होने जा रहा है।